नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुकिंग फॉर यू में। तो आज हम बनाने वाले हैं आटे का हलवा, जो कि हम बनाएंगे दो ट्रिक के साथ, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आटे का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म किया है, उसमें ऐड किया है 2 बड़े चम्मच घी, और अब हम इसे पकाने के बाद इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। यहाँ पे मैंने ऐड किया है थोड़ा सा छुहारा प्लस काजू और बादाम। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 कटोरी आटा, और अब हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि फ्लेम बहुत ही हाई नहीं हो, नहीं तो हमारा जो आटा है वो जल जाएगा। हमें धीरे धीरे इसे चलाते हुए बिल्कुल इस तरह से भून लेना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसमें एक महक आएगी और इसका जो कलर है वो चेंज होने लगेगा। फ्लेम को लो और मीडियम रख के ही इसे पकाएं, अगर आप कंटिन्यू चलाते हैं तो ही मीडियम रखें। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसे चलाते हुए पका लिया है। आप देखेंगे कि इसका कलर जो पहले था और अब के कलर में थोड़ा अंतर आ चुका है। तो इस तरह से ये हमारा जो आटा है वो भून के तैयार हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इलायची। यहाँ पे मैंने 2 इलायची तोड़ के डाली हुई है। आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है तो मैंने ऐड नहीं किया है। तो इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा और भून लेंगे। दोस्तों, इसमें पहली ट्रिक ये है कि जब भी आप आटे का हलवा बनाएं तो उसमें घी थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड करें, इससे जो हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। और दूसरा ये कि इसका जो कलर है जब तक चेंज ना हो तब तक इसे भूने, और इसे जो जलता है फ्लेम को मीडियम ही रखें या लो रख के ही पकाएं। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 3 चम्मच शक्कर, और इस तरह से हम इसे चला लेंगे और पका लेंगे। तो अब मैंने इसमें ऐड किया है करीबन 1 गिलास पानी, थोड़ा थोड़ा करके मैंने इस पानी को ऐड किया है और इस तरह से चलाते हुए ऐड किया है। थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए, चलाइए, और फिर थोड़ा पानी ऐड करके इसे चलाइए। अब इस बात का ध्यान रखिए कि 1 गिलास पूरा पानी ऐड करने के बाद हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसमें जो इस तरह से छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं वो नहीं बनने चाहिए। इसे कंटिन्यू चलाएं और अब फ्लेम को रखें मीडियम, और इस तरह से फटाफट इसे मिक्स कर लीजिए। तो दोस्तों, आटे का हलवा परफेक्ट बना है कि नहीं ये इस बात से पता चलता है कि जब ये कढ़ाई छोड़ने लगे तो ये तैयार हो चुका है। उसके बाद मैंने ऊपर से ऐड किया है यहाँ पर 1 चम्मच घी, और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। दोस्तों, आटे के हलवे को जरूर ट्राई करें क्योंकि ये हेल्दी भी होता है, और दूसरा ये कि इसे बनाना बहुत ही आसान है अगर आप इस तरह से इसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से ऐड किया है थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और अब हम इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हलवा आटे का तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसके साथ कुमड़े की सब्जी प्लस पूरी और कचौरी भी ली है, जिनकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, और आप कमेंट जरूर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और बताइए मेरी बनाई रेसिपी आपको कैसी लगती है।